श्वेता कौशिक जी, आपके पास इस तरह के मामले आए होंगे, रीजंस क्या निकल कर आए हैं? आपने तमाम केसेस देखे होंगे। हाँ देखिए मैम, सबसे पहले तो अगर हम ऐसे एसिड अटैकों की बात करें तो हमारे नेशनल लेवल पर अभी तक जो क्राइम रेट आया है वो इतना ज्यादा है, मतलब उसका आप रेटिंग देखें, क्राइम रेट के अकॉर्डिंग भी सन 2016 से अगर हम बात करते हैं तो 2799 हमारे पास क्राइम रिपोर्ट है अकॉर्डिंग टू वुमन रिपोर्ट, नेशनल वुमन कमीशन के अकॉर्डिंग, और उसमें की आधे विक्टिमों का तो ये भी नहीं पता कि वो विक्टिम्स की रिपोर्टिंग के बाद अरेस्टमेंट में उनका क्या है, क्या स्टेटस है, आज वो किस स्टेज पे चल रहे हैं। और रही बात अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस की, तो ये तो एक लाइफ लॉस का सवाल है, जिंदगी का सवाल है। जिस कली ने अभी चलना सीखा है, जिस कली ने अभी हंसना सीखा है, उस कली को पहले मुस्कुराने से मोड़ दो, छोड़ दो, ये कहाँ का न्याय है। मैं तो कहती हूँ कि ऐसी बेटियों को भी सावधान रहना चाहिए। आज समय है सुरक्षा की, जरूरत है सुरक्षा की, समय है सावधान होने का। तो मैं तो आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि खुद भी हम लोगों को, बेटियों को सावधान रहना पड़ेगा। संदेह होने पर भी हमें ऐसी कंप्लेंट्स मेंशन करानी पड़ेंगी, ऐसी बिना डरे ऐसी रिपोर्ट्स देनी पड़ेंगी जिन पर सख्ताई से एक्शन लिया जाए। ठीक है।